गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ई क्लासेस। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 6, बड़ा ऊ की मात्रा। प्रीवियस क्लास में आपने छोटा ऊ की मात्रा देखी थी, आज हम देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा भी क्या होती है, शब्दों के नीचे ही लगाई जाती है, शब्दों के नीचे लगाई जाती है। तो आइए हम ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा के कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला है झा, झा में ऊ की मात्रा, ला, ला में आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, झूला। फिर बा, बा में बड़ा ऊ की मात्रा, हड़ा, आ की मात्रा, बूढ़ा। का, बा, बा में ऊ की मात्रा, ता प्लस रा, कबूतर। सा, सा में ऊ की मात्रा, रा, जा, सूरज। त, रा, बा, बा में बड़ा ऊ की मात्रा और जा, तरबूज। तो ये क्या है बच्चों, आपके ये बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द हैं, जैसे झूला, बूढ़ा, कबूतर, सूरज, तरबूज। तो ये सब है, इन शब्दों में आप ध्यान से देखिए तो ये बड़ा ऊ की मात्रा क्या है, शब्दों के नीचे लगाई जाती है और छोटा ऊ की मात्रा से कुछ डिफरेंट होती है। छोटा ऊ की मात्रा को हम आगे राउंड करते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा को हम पीछे घुमाकर लिखते हैं। तो इस तरह ये आपके क्या हो गए, बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हुए हैं, आइए उनको भी हम देखते हैं, जैसा कि कुछ अन्य शब्द। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में है मूली, सूली, पूड़ी, झोली। आलू, चालू, भालू, कालू। चूरन, पूरन, खजूर, हजूर। चबूतरा, खरबूजा, कूदना, नूतन। चूड़ी, चूहा, सुई, झूला। मजदूर, जादूगर, शहतूत, सूरज। तो ये क्या है, ये कुछ अन्य बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रूपा, झूला, झूली। अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे रूपा में देख रहे हैं रा पे ऊ की मात्रा कभी भी नीचे नहीं लगती है। हमें जब रा पे ऊ की मात्रा लगानी होती है तो हम रा के बीच में लगाते हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि रा में हम नीचे मात्रा नहीं लगाते हैं। बाकी शब्दों में आप देखिए, हमने बड़ा ऊ की मात्रा को क्या है, नीचे लगाया है, बट रा में हम रा की मात्रा, जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है, उसे हम बीच में लगाते हैं। तो रूपा, झूला, झूली। नूतन, भी, झूला, झूली। खूब, मजा आया। भालू, चूहा, लाया। तो इस तरह ये क्या है बच्चों, ऊ की मात्रा के शब्द हैं। इसमें भी आपको दो लाइन का सुलेख लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो क्या है लाइन, सूरज निकला, धूप आई, मतलब सूरज निकला, धूप आई। इन्हें आपको इसी दोनों लाइन में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है अपनी बुक में ही। तो इस तरह बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा आज, बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। आई होप आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और रा पे मात्रा कैसे लगती है ऊ की, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, रा पे कैसे लगती है, बीच में, रा में कभी भी नीचे मात्रा नहीं लगती है। ओके क्लास, थैंक यू।